सपनम जी, एक टिकट अभिमन्यु पूनिया को दिया गया जी, क्या क्या कहना? संगरिया विधानसभा का जो टिकट अभिमन्यु बिश्नोई को दिया गया है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पार्टी का फैसला है, जो पार्टी ने फैसला लिया है, वो पार्टी का निर्णय है, वो सबको मंजूर होगा। आपको दो तीन बार आश्वासन दिया गया, फोन आएगा कि आप चुनाव की तैयारी करिए, नामांकन की तैयारी करिए, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको? जी बिल्कुल, मेरे पास रंधावा जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपको बधाई हो, आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है और आप अपनी तैयारी कीजिए। और उन्होंने मुझे निर्देश भी दिए कि आप पंजाब से कुछ नेताओं को भी अपने नॉमिनेशन फार्म में बुलाइएगा। उसके बाद जयपुर से भी कुछ नेताओं के फ़ोन आए कि आपकी टिकट फाइनल है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। हम लोग आके अपनी तैयारी में जुट गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ उसके बारे में मैं भी शॉक्ड हूँ कि एकदम से रात को लास्ट में जाके ऐसा क्या हुआ। मेरी कोई बड़ी नेताओं से बात नहीं हुई है, मैं खुद इस बात से आहत हूँ कि एकदम से पार्टी को ऐसा क्या फैसला लेना पड़ा कि एक मजबूत महिला का टिकट काटकर एक बिल्कुल नए लड़के को टिकट दिया गया है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी हमेशा सोचती है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, और उन्होंने हर लोकसभा के अंदर एक महिला को टिकट दिया है। सिर्फ गंगानगर लोकसभा एक ऐसी बची है जिसमें उन्होंने एक मजबूत महिला का टिकट काटा है। बाकी जनता जो फैसला करेगी वो फैसला हमें मान्य होगा, और जो भी फैसला जनता मुझे कहेगी मैं संगरिया विधानसभा की जनता के साथ हूँ। 23 साल से कांग्रेस में रहे हैं, दो बार आपने चुनाव भी लड़ा है, मजबूती से लड़ा है, तो अभी आगे क्या मान के चले, आप क्या फैसला लेंगे, पार्टी से बाहर कोई फैसला लेंगे या फिर पार्टी के साथ रहेंगे? अभी हम लोग सब लोग मिलके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने मीटिंग की है और लोगों के जो व्यू निकल के आए हैं उसके अनुसार ही हम लोग शाम को ये फैसला जो है लेने का काम करेंगे। और मैं भी लोगों को ये समझाने का काम करूँगी कि जो पार्टी ने फैसला लिया है हम लोग उसके साथ हैं, पार्टी के फैसले के साथ है, ये आपका संकेत है। मैडम, तमाम सर्वे आपके पक्ष में थे और आपको बहुत बढ़िया तरीके से कन्विंस भी किया गया जी जी, लेकिन फिर भी आपको कहाँ लगता है कि आप किस इसके पीछे? जैसा कि सर्वे के आधार पे कोई बात हो तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा सर्वे मेरा था उतना सर्वे अच्छा किसी भी और जो टिकट मांग रहे थे उनका किसी का भी नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मजबूती भी दरकिनार की गई, महिला भी दरकिनार की गई और सर्वे भी दरकिनार की गई। और मैं अभी ऐसा कुछ भी कहने में मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी कोई भी बड़े नेता के साथ अभी बात नहीं हुई है कि वहाँ क्या हुआ, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे किसने क्या किया मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अब मैडम, डोडासरा ने भरी सभा में, आप उनके नामांकन में थे, उन्होंने वहाँ से आपका नाम अनाउंस किया। जी जी बिल्कुल। और आपको क्या लगता है फिर पार्टी आला हाईकमान में कहाँ मिसकम्युनिकेशन था, क्यों लोगों को यहाँ तक नहीं पता था? मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी मैं इस बात को कहने में कहीं भी मैं समझती हूँ कि अभी तक मेरी किसी नेता से बात नहीं हुई है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ रात को जो मीटिंग हुई है वेणुगोपाल जी की और यूथ के जो यूथ के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उनके बीच में क्या उन्होंने मीटिंग के अंदर किया है। तो मेरी नेताओं के साथ कोई बात नहीं हुई तो मैं कुछ कहने में अभी सक्षम भी नहीं हूँ। जी मेरे पास दो तीन पार्टियों के ऑफर आए हैं, BSP से भी आया है, JJP से भी आया है, लेकिन मैं ये फैसला जनता पे छोड़ रही हूँ और हम लोगों की कोशिश रहेगी। मैं भी फिलहाल जो वर्कर हैं उनमें एक बार अलग तरीका का माहौल है और धीरे धीरे हम लोग सब लोग मिलके समझाइश करेंगे और हम सब लोग पार्टी के साथ। समझिए, एक आखिरी सवाल, आपने अभिमन्यु बिश्नोई कहा, वो आपके अपने नाम के पीछे पूनिया लगाते हैं जी, वो हैं तो बिश्नोई लगाते हैं, पूनिया है, लेकिन आपने बिश्नोई कहा, नहीं तो पूनिया है तो बिश्नोई, पूनिया है तो अभिमन्यु पूनिया बोल लो, अभिमन्यु बिश्नोई बोल लो, है तो वो बिश्नोई जी। मुझे लगता है कि ज़्यादा मजबूत होना भी नुकसानदायक हुआ कि एरिया में आज अगर शबनम गोदारा को टिकट मिलती संगरिया विधानसभा में तो शोर जीत थी, और
बच्चा बच्चा वो कहते हैं ना, प्रकृति बोल रही थी कि अब की बार टिकट आएगी तो शबनम गोदारा निश्चित तौर से जीतेगी। कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूती भी नुकसानदायक रही है। ठीक है।